आपको तो पहले जो इंजीनियर्स हैं, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जी बड़ी इंजीनियर्स। पहले सबसे पहले इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है उसको अपना एक मेन नॉलेज, जो फंडामेंटल नॉलेज है, वो फंडामेंटल नॉलेज इंक्रीज करना चाहिए। सेकेंड, दूसरी चीज है, अगर आप अपने फंडामेंटल्स आपके अच्छे हैं तो आप अपने करियर में, अपने डिसिप्लिन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सेकेंड, यू शुड ऑल्सो नो दी, अभी तुमने बताया कि 21st सेंचुरी है, तो 21st सेंचुरी इससे सेंचुरी ऑफ स्किलिंग, तो तुम्हें अभी जो हमारे नए सॉफ्टवेयर है और जैसे मार्केट में चल रहा है AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, तो नाउ इट्स ए जनरेशन, इट्स व्हाट नेक्स्ट जनरेशन 21st सेंचुरी, इट्स ए सेंचुरी ऑफ ऑल दिस स्किलिंग। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पर है, जितने भी इलेक्ट्रिकल है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उनको सभी को AI, ML, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे नई सेंचुरी टेक्नोलॉजी के में अपना ग्रोथ करना चाहिए। और दूसरी चीज, सब इंजीनियर्स दे मस्ट लर्न दी सॉफ्टवेयर, जैसे अभी उन्होंने बताया कि हमें एनालिटिकल पावर, इंजीनियर्स का सबसे अच्छा जो पावर होता है वो एनालिटिकल पावर होता है, वो एनालिटिकल पावर अपना कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो बाय यूजिंग दी सॉफ्टवेयर आप जो कुछ लर्न किए हुए यू कैन, इफ यू कन्वर्ट दैट पावर इनटू दी सॉफ्टवेयर।